अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शेफ बास उस्मानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब बेस्ड रियलिटी कुकिंग शो हाउस ऑफ इटालिया प्रेजेंट द किचन स्टार सीजन 4 पावर्ड बाय द कुक बुक। दिल का दोस्त है इटालिया, गुड फॉर बोन्स इटालिया, क्योंकि अपनों से प्यार है। हम आपको मिलवाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ नाम है। मोहम्मद काशिफ, तो मैं आपको शेफ काशिफ बोलूंगा कि आपका जो पर्सनालिटी है वो प्रोफेशनली आप शेफ लग रहे हैं। प्रोफेशनल तो नहीं कहूँगा, बस एक देखें इस फील्ड में ये कि लर्निंग स्टेज होती है। बिल्कुल। तो अभी बस जैसा है इसको रखा हुआ हमने मद्देनजर रखते हुए। तो आप प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हैं? जी मैं एक कैटरिंग कंपनी में होता हूँ। सही। जहाँ पे मैं उसका कोल्ड सेक्शन में, कोल्ड सेक्शन में सैलेड्स के आइटम है उसमें सब मैं उसको प्रेफर करता हूँ सारा। और आपको हमारे किचन स्टार के बारे में किस तरह पता चला? क्योंकि ये किचन स्टार के बारे में मैंने आपकी कुक पेज पे मैंने कुक बुक में मैंने मैंने आपके हाउस ऑफ इटालिया की जो है रेसिपी मैंने शेयर की थी पास्ता की, तो उसमें मेरा नाम आया है, तो आज मैं आप लोग के सामने हूँ। तो वेलकम करते हैं आपको अब हमारे शो के ऊपर। तो आज आप हमारे लिए कौन सी ऐसी रेसिपी बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता जो नॉर्मली मिलता है, ये नॉर्मल है लेकिन मैंने इसमें कुछ थोड़ी अपनी चेंजिंग की है। आपकी अपनी वेरिएशन है उसके अंदर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ठीक। सो आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी रेसिपी बना रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दें हमारे व्यूअर्स। अल्फ्रेडो पास्ता जैसे हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम इटालिया का पास्ता पेने पास्ता यूज़ करेंगे। इटालिया का पेने पास्ता, उसके हम क्रीम है हमारे पास, अनियन है, मस्टर्ड पेस्ट है, मिल्क है और इटालिया के मशरूम है हमारे पास। इटालिया के मशरूम जी हम ये यूज़ कर रहे हैं स्लाइस में, और बटर है हमारे पास, बटर है और ऑरिगानो है हमारे पास, ऑरिगानो, पार्मेसन चीज, एग योग यूज करेंगे इसमें हम, एग योग जी जो एक यमी टेक्सचर देगा। ये मैंने एग योग सुना था इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। जी बिल्कुल, एक यमी टेक्सचर में आएगा। गार्लिक हम यूज़ करेंगे। ठीक। और उसके बाद हमने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़ी सी हम इसमें यूज करेंगे अपने पार्सली और उसमें जाएगी आखिर में हम लोग टॉपिंग करेंगे ग्रिल चिकन की टॉपिंग करेंगे। ठीक है, ये आपके कंप्लीट। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हम सबसे पहले सॉस बनाएंगे, उसके बाद हम इसके जो आगे की असेंबलिंग वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। क्योंकि अपनों से प्यार है। अच्छा काशिफ, आपने इंग्रेडिएंट्स हमारे व्यूअर्स को बता दिए हैं, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आप किस तरह शुरू करेंगे वो बताएं। हमने लेंगे ये इटालिया का अपने पास्ता हमने बॉईल करने रख दिया। अच्छा, इटालिया का पास्ता आपने पहले से बॉईल करने रखा है। ठीक। अब इसमें हम सबसे पहले इटालिया का ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। सही जी, ये लगा आपको तकरीबन आप इसके अंदर टू टेबल स्पून के करीब इटालिया का ऑलिव ऑयल। फिर इसमें हम डालेंगे चॉप अनियन हमारी जाएगी। ये तकरीबन आपने कितना डाला? ये हाफ अनियन है, वन अनियन को हमने हाफ किया। अच्छा ठीक है, हाफ अनियन इसके अंदर चॉप, हाफ अनियन समान। इसको हल्का सोते कर दें, फिर हम ऐड करेंगे मशरूम इसके अंदर। आप इटालिया के मशरूम मतलब मशरूम स्लाइस इसके अंदर आप स्लाइस मशरूम। और ये इसकी क्वांटिटी कितनी? ये है 4 to 5 pieces इटालिया के। ठीक है, इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप कितने टाइम से कुकिंग कर रहे हैं? कुकिंग में मुझे हो गए हैं 11 to 12 years। तो मतलब बाकी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको आप काफ़ी टफ टाइम देने वाले, क्योंकि इतना बस एक्सपीरियंस है आपके पास। ये बस देखेंगे जो लक के ऊपर है इंशाल्लाह। और एक और बात बताना चाहूँ आपको कि आपके अलावा भी यहाँ पे एक और प्रोफेशनल शेफ अच्छा आ चुकी है हमारे पास। अच्छा, तो इसके अलावा यंगस्टर भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। अच्छा, हर कैटेगरी के, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है। सही बात। तो पर प्रोफेशनली शेफ आप दूसरे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है किसके नसीब में। हाँ, तो फिर मज़ा आने वाला है ना, कंपटीशन सही टफ होने वाला है। अच्छा, हमने इसे बटर यूज़ किया है। अच्छा, बटर यूज़ किया है, हाफ टी स्पून बटर यूज़ किया। अब इसे हम ऐड करेंगे क्रीम जी। जब फ्रेश क्रीम आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो सॉस है, सॉस इसके हम सॉस। ठीक है, ये फ्रेश क्रीम तकरीबन
ये है हाफ कप के करीब, हाफ कप के करीब हमने यूज फ्रेंच क्रीम इस्तेमाल करी। सही, तो चिरंगित कर अच्छा फ्रेश क्रीम का जो अक्सर ये होता है कि फटने का हमारा डर होता है, तो इसका कोई आप खास कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए अगर इसमें आपके देखें क्रीम अगर फटनी शुरू हो गई है बिल्कुल, तो आप जिस तेल को हल्की हल्का भी उसको भी वो कर लें, बीट कर लें, इसके जितनी भी दाने थे लम्स हैं उसका खत्म हो जाए, मतलब पहले जी पहले ही रेसिपी में ऐड करने से पहले ही मिक्स कर लें बिल्कुल। और ओवर कुकिंग की वजह से, तो ये ओवर कुकिंग से भी आपकी क्रीम जो है वो स्प्लेट हो सकती है। और इसको बिल्कुल लाइट जो है इसको फ्रेश क्रीम काफ़ी मतलब टेक्निकल ये टेक्निकल होती है, और स्लो फ्लेम में इसको कुक करें। जब ही ठीक, अब इसमें हम थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, इसके साथ मिल्क ऐड करेंगे। ये है हमारे पास हाफ कप के करीब मिल्क, हाफ कप के करीब इसके अंदर मिल्क ऐड किया है। इसको थोड़ा सा बिल्कुल ये तैयार हो गई है, थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट पेपर ऐड करने हैं। हमें सॉल्ट पेपर जी सीजनिंग जो होता है, क्योंकि सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जी, हल्का सा समझिए हम हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम, हाफ टी स्पून से थोड़ा ब्लैक पेपर, इसके अंदर ब्लैक पेपर, इसके अंदर रेड पेपर ऐड करते हैं, और इसके अंदर सॉल्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सही, सॉल्ट टू मच, सॉल्ट टू टेस्ट, टू टॉप टू टेस्ट एज रिक्वायर्ड। ठीक, इसको तकरीबन इसकी सॉस को मतलब कितनी देर तक पकाना है? सिर्फ आपने इसको जब देखिए बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसमें पार्मेजान चीज़ें जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्मेजान चीज़ का तो मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम लास्ट में इसमें एग योग ऐड करेंगे। एग योग, एग योग जो है आपको एक क्रीमी टेक्सचर देगा, क्रीमी टेक्सचर माउथ वाटरिंग, उसके अंदर एक अलग ही टेस्ट इसके अंदर आता है। सही है, मतलब ये आपका स्पेशल, मतलब स्पेशल भी है और सीक्रेट भी है जी, ऐसे में भी है ये चाहे। हम थोड़ा सा इसमें और मिल्क डाल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। सही, इसके अंदर थोड़ा सा और मिल्क ऐड किया है आपने, बस मैंने के अंदर ये एग योग ऐड करेंगे जो हमारी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रेसिपी में है ये। ठीक है, इसके अंदर आपने एग योग डाल दिया। अच्छा, एग योग की कोई स्मेल तो नहीं आएगी? स्मेल तो नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको अक्सर लोगों को अंडे से होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसके बाद हम ये हमने ये ओरिगानो यूज़ करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओरिगानो इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा जाएगा पार्मेजान चीज़। अच्छा, पार्मेजान चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि पार्मेजान का फ्लेवर ही बहुत बहुत यमी, और अल्फ्रेडो के अंदर बिल्कुल ही है वो पार्मेजान अल्फ्रेडो। आज तो थोड़ा हम कुक करेंगे, ठीक है, हम इसमें लास्ट में हम पास्ता ऐड करेंगे, लास्ट में इसके अंदर बिल्कुल पास्ता, उसके बाद फिर डिश आउट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब इसकी सॉस का जो प्रिपरेशन टाइम है वो कितना होगा? पाँच मिनट हार्डली, पाँच मिनट के अंदर ये आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। पास्ता आपके पास रेडी है, तो आपके सॉस में से 5 मिनट चाहिए आपको, तो 5 मिनट के अंदर आप जबरदस्त अल्फ्रेडो पास्ता बना सकते। बस हमारा देखिए पास्ता हमारा रेडी हो गया, ठीक है, सॉस भी हमारी रेडी है, बस इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर रहे हैं। सही, पास्ता तकरीबन तो अभी है हमारा हाफ पैकेट के करीब इटालिया का पैनी पास्ता। सही है, तो आपका हमारा वोटिंग क्राइटेरिया बताएं? नहीं, मुझे आपको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे व्यूअर्स को भी बताता चलता हूँ कि हमारा जो वोटिंग क्राइटेरिया है फेसबुक के ऊपर, एक लाइक के ऊपर 1 पॉइंट, एक कमेंट के ऊपर 2 पॉइंट, और एक शेयर के ऊपर 5 पॉइंट, और एक व्यू के ऊपर भी 1 पॉइंट मिलेगा। और यूट्यूब के ऊपर अगर आपकी वीडियो शेयर होती है और उसका उसके ऊपर आप मल्टीप्लाई बाय 3 आपको मिलेंगे, लाइक एक लाइक के ऊपर आपको मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, और इसी तरह एक कमेंट के ऊपर 3 गुना ज़्यादा, और एक शेयर के ऊपर भी 3 गुना ज़्यादा, और एक व्यू के ऊपर भी 3 गुना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सही, तो ये हमारा है वोटिंग क्राइटेरिया। सो हमारा जो पास्ता है वो तो रेडी हो गया है, पर ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता है, मुझे चिकन अभी तक नज़र नहीं आई। चिकन हमारी हमने पहले से मैरिनेशन करके रख ली थी, ठीक है, हमने इसको ग्रिल कर लिया था। अच्छा, वो पहले से ही कुक कर पहले से कुक कर ली थी। इसके लिए इसमें हमने सबसे पहले इटालिया का ऑलिव ऑयल यूज़ किया, इसमें ऑलिव ऑयल इसके 1 टीस्पून जी, और 1/2 टीस्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट यूज़ किया, ठीक है, और एज रिक्वायर्ड सॉल्ट एंड पेपर सिंपल सी मैरिनेशन है। और उसको हमने हल्का सा ग्रिल करके इसको हम टॉप पे इसको हम गार्निश के तौर पे रखेंगे। अच्छा, गार्निश के अलावा चिकन ब्रेस्ट को, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन ही हो चुकी है, और इसका जो ग्रिल चिकन है वो भी यहाँ पे आ गया, और प्रेजेंटेशन में तो अच्छा
आउटस्टैंडिंग लग रही है मुझे तो। शुक्रिया। पहली दफ़ा मैंने पास्ता देखा कि एकदम यूनिक तरीके से आपने प्रेजेंट किए, वरना मैंने काफ़ी पास्ते ट्राई किए हैं पर इस तरह का मैंने अभी तक ना खाया। और एग योक का जो पार्ट था जी बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल एक डिफरेंट है, यूनिक है बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए और हमारे इस कंपटीशन का हिस्सा बने, और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज आपने हमारे व्यूअर्स को शेयर की है, और उन्हीं के लिए अब आपको वोट अपील करनी पड़ेगी क्योंकि आपका फैसला उनके हाथ में है, वही आपको जितवाएंगे। और आपका भी थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी इस रेसिपी को सबसे ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके उसको शेयर करें और उसको जो है कमेंट्स भी करें मेरी रेसिपी को, ताकि मैं विन कर सकूँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच काशिफ कि आप हमारे इस कॉम्पिटिशन के अंदर आए और ज़बरदस्ती हमारे व्यूअर्स के लिए आपने रेसिपी शेयर करी। शुक्रिया। और इसी के साथ आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अपनों से प्यार है।